दोस्तों आप ये टाटी घाट के दृश्य देख रहे हैं और दोनों तरफ से आपको जंगलों के दृश्य देखने को मिलेंगे और भी जंगलों के अंदर से ही ये देखिए मंदाकिनी गंगा नदी जहाँ पर महाराज जी स्नान ध्यान अपना स्नान कर रहे हैं और इधर ऊपर जाने पर जंगलों के अंदर ही महाराज जी की कुटिया है। बहुत ही अलौकिक दृश्य यहाँ पर देखने को मिलते हैं। स्नान मना लिए जी और हम लोगों की बड़े सौभाग्यशाली है हम लोग हाँ। जो गंगा जी में त्रिकाल स्नान करते हैं जी। गंगा जी की तो ऐसी महिमा है हाँ। श्री गंगा गंगे तो यो ब्रियात योजना सर सर पमिशा विष्णु लोकम गच्छति। एक बार हर हर गंगे करके आप स्नान कर लीजिए तो स विष्णु लोकम गच्छति, उसके सारे पाप भी मिट जाते हैं और जीवात्मा को विष्णु लोक की प्राप्ति हो जाती है जी। हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग टाटी घाट पे रहते हैं चित्रकूट की तपो स्थली में और गंगा जी त्रिकाल संध्या करते हैं स्नान करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है जी। कलयुग में महिमा है गंगा जी की हाँ। कृते तु नैमिषम तीर्थम त्रेतायाम पुष्करम वरम द्वापर कुरुक्षेत्रम कलौ गंगा विशिष्यते। कलयुग में विशेष फल की प्रदान करने वाली माँ गंगा है। गंगे तप दर्शनात् मुक्ति, गंगा जी का दर्शन करना ही तो देखा दोस्तों गंगा जी के दर्शन करना भी मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। महाराज जी इसीलिए इस तरह के जंगलों में रहते हैं और गंगा जी के किनारे रहते हैं, भजन साधना भी करते हैं और गंगा जी में स्नान भी करते हैं और गंगा जी के दर्शन भी करते हैं। और ये महाराज जी के तीसरे स्नान थे शाम के, अभी शाम के लगभग 6 बजने जा रहे हैं। स्नान कराते हैं ऐसे ही, ये तो अगर सांसारिक आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो जो जीव जो है, जीव अर्थात समझिए कि जीवाचार्य, जैसे तीन कहे गए हैं ब्रह्म माया और जीव जी। उभय बीच सिंह सोहति कैसी, ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। भगवान श्री रामचंद्र जी ब्रह्म हैं, ब्रह्म के पीछे में माया है और माया के पीछे में जीवाचार्य लक्ष्मण जी हैं, तो लक्ष्मण जी कौन है, जीवाचार्य हैं। तो जब तक आप जीवाचार्य स्वीकार नहीं करेंगे अर्थात गुरु नहीं बनाएंगे तब तक आप माया से आप ब्रह्म के पास नहीं पहुंच सकते, इसलिए अनिवार्य है। सीताराम दोस्तों अपने चैनल के माध्यम से लगातार हम आपको सिद्ध साधु संतों के दर्शन कराते आ रहे हैं जो पहाड़ों में, गुफाओं में और कंदराओं में रहकर भजन साधना करते हैं। आज आपको लेकर आए हैं चित्रकूट के टाठी घाट में। ये आप जंगलों के दृश्य देख सकते हैं, टाठी घाट है और आज आपको दर्शन कराने वाले हैं संत रघुनाथ दास जी महाराज से। और टाठी घाट का नाम तो आपने सुना ही होगा, संतों की तपस्थली है और चारों तरफ से आपको जंगल देखने को मिलेंगे और जंगलों के अंदर से मंदाकिनी गंगा मैया बहती हैं और गंगा जी के दोनों तरफ किनारों में संतों की कुटिया देखने को मिलती हैं। तो आइए दोस्तों आज आपको ले चलते हैं संत रघुनाथ दास जी महाराज की कुटिया में। ये जंगलों के दृश्य आप देख रहे हैं और हरे भरे पेड़ पौधों के अंदर ये महाराज जी की कुटिया है, आप देख सकते हैं बिल्कुल जंगलों के अंदर है। आइए सीधा अंदर चलते हैं महाराज जी की कुटिया में। दोस्तों महाराज जी की कुटिया का प्रवेश द्वार है और बंदरों से बचने के लिए देखे बाहर से जाली लगा रखे हैं, बाँस वगैरह लगा के। आइए सीधा अंदर चलते हैं, महाराज जी बैठे हुए हैं। सीताराम महाराज जी। जय जय सीताराम, जय सीताराम। महाराज जी भजन साधना हो रहे हैं जी। महाराज जी आपके लिए थोड़ा राशन सामग्री लाया था महाराज जी, सब्जी है जी, तेल है महाराज जी और चावल, आटा, मूंग की दाल, इसमें नमक है महाराज जी। महाराज जी ये भक्तों की ओर से आपके लिए। श्री सीतानाथ समारंभाम श्री रामाचार्य मध्यमाम अश्मदाचार्य पर्यंता वंदे श्री गुरु परंपराम ध्यान मूलम गुरोर्मूर्ति पूजा मूलम गुरोपदम मंत्र मूलम गुरोर्वाक्य मोक्ष मूलम कृपा। प्रेम से बोले श्री चित्रकूट बिहारी सरकार की जय। इस कलयुग में प्रकट चारि पद धर्म के कली महा एक प्रधान जैन केन्द्र विद्य ने दान करे कल्याण। इस कली काल में सबसे बड़ा माने भक्ति, गृहस्थ आश्रम के लिए सबसे बड़ी भक्ति कही है दान करना। गुरुस्वामी जी कहते ये निकेन प्राकरण से यदि आपसे तन मन की आप दान कर रहे हैं तन मन धन से तो समझिए कहीं ना कहीं कल्याणकारी है वो जी।
ये निकिन विदिन ने दान करे कल्याण। और जिस भक्त के द्वारा ऐसे संतों की कुटिया में ये राशन दाल चावल जो भक्तों की कृपा से पहुँचती है कुटिया में जी, मैं उन सभी भक्तों को आपके यूट्यूब के माध्यम से सभी को सादर में सहृदय आशीर्वाद, सहृदय साधुवाद और सभी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री। अभी गुरु पूर्णिमा आ रही है जी, बहुत से लोग हमसे पूछते हैं कि यदि भजन करना है तो क्या गुरु करना अनिवार्य रहता है, क्या बिना गुरु के कर सकते हैं या गुरु करना जरूरी रहता है। देखिए इस विषय में आप बढ़िया ही माने क्वेश्चन पूछे हैं जी, कि व्यक्ति जो है जीव जो है जिए जा रहा है, जिए जा रहा है, जिए जा रहा है जी, कहीं किसी का लक्ष्य है नहीं जी। जैसे किसी व्यक्ति को जाना है कहीं यात्रा, और व्यक्ति यदि अपने जीवन काल में लक्ष्य ना बनाए मंजिल जी, कि हमको दिल्ली जाना है कि सतना जाना है कि चित्रकूट जाना है कि अन्य जगह जाना है जी, जब तक आप एक लक्ष्य निर्धारित नहीं करोगे तब तक आप जा नहीं सकते जी। जैसे आप चले जाए रेलवे स्टेशन और जो टिकट काउंटर में बैठते हैं उनको बोलिए कि भाई साहब टिकट बना दीजिए जी, तो वो बोलेगा भाई कहाँ जाना है तुमको जी। अब आप कहिए कि कहीं भी जाना कहीं का बना दो, तो कहे भैया एक लक्ष्य निर्धारित करो, जाना कहाँ है आपको। अगर लक्ष्य निर्धारित नहीं करोगे तो टिकट काउंटर से आपको वापस लौटा दिया जाएगा जी। ऐसे ही जीवन में हर जीव का एक लक्ष्य होना चाहिए, और लक्ष्य केवल भगवत प्राप्ति, भगवत प्राप्ति है, और हर जीव को यही लक्ष्य होना चाहिए कि हम भगवत प्राप्ति कैसे करें जी। ये बहुत सुंदर आपने क्वेश्चन प्रश्न पूछा है कि जीव को क्या अनिवार्य है मंत्र दीक्षा लेना, गुरु दीक्षा लेना कि नहीं है। तो जैसे गृहस्थ आश्रम के लिए विशेष अनिवार्य है गुरु दीक्षा लेना जी, क्योंकि गुरु बिनु भव निधि तरह ही ना कोई जी, जो बिरंची शंकर सम हो जी, चाहे वो ब्रह्मा विष्णु महेश के समान ऐश्वर्यवान क्यों ना हो जाए जी, देव तुल्य क्यों ना हो जाए, जब तक वो गुरु स्वीकार करेगा नहीं तब तक उस जीव का कल्याण नहीं। हम बिना गुरु मंत्र दीक्षा लिए कुछ भी जो धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, धार्मिक क्रिया करते हैं, भक्ति भजन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो सारी के सारी जो अनुष्ठान जो है निष्फल हो जाती है। यदि आपने गुरु मंत्र लिया हुआ है, गुरु दीक्षा लिया हुआ है, तो सब आपके जितने भी धार्मिक अनुष्ठान हैं वो सब के फल की प्राप्ति आपको होएगी जी। कब? जब हम गुरु स्वीकार करेंगे तब। इसलिए जीव के जीवन में गुरु जरूरी है। जैसे विवाह के समय में जब वर पक्ष से जाते हैं कन्या देखने के लिए जी, तो वर को भी आजकल ले जाया जाता है, साथ में बुजुर्ग रहते हैं जो मध्यस्थता कराते हैं वर पक्ष से और कन्या पक्ष से। वो जाके चर्चा करते हैं, वार्तालाप होती है, और दोनों कुल की परंपरा के बारे में पूछा जाता है, सब चीज़ देखा जाता है। तो उसमें एक मध्यस्थता कराने वाले होते हैं जो वर और वधु का मिलान कराते हैं। ऐसे ही ये तो कि संसारिक आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो जो जीव जो है, जीव अर्थात समझिए कि जीवाचार्य, जैसे तीन कहे गए हैं ब्रह्म माया और जीव जी, उभय बीच सिंह सोहति कैसी, ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। भगवान श्री रामचंद्र जी ब्रह्म हैं, ब्रह्म के पीछे में माया है, और माया के पीछे में जीवाचार्य लक्ष्मण जी हैं। तो लक्ष्मण जी कौन है? जीवाचार्य हैं। तो जब तक आप जीवाचार्य स्वीकार नहीं करेंगे अर्थात गुरु नहीं बनाएंगे, तब तक आप माया से आप ब्रह्म के पास नहीं पहुँच सकते। इसलिए अनिवार्य है गुरु मंत्र दीक्षा लेना। और इस वर्ष गुरु पूर्णिमा जो है 21 जुलाई को है, दिन रविवार को जी, और इस दिन व्यास पूजन की जाती है गुरु पूर्णिमा के रूप में। शिष्य जो है गुरु जी से जा करके मंत्र दीक्षा प्रदान लेते हैं, और उसके बाद समझिए कि जो मंत्र दीक्षा ले लिए तो नया जन्म हो गया जी, और नया जन्म होने के पश्चात आपका जन्म हुआ है नया, आध्यात्मिक मार्ग से जुड़ गए। अब आप कुछ भी कार्य करोगे उसमें आपको सफलता फिर मिलती है। तो जैसे महाराज जी देश भर से विदेशों से भी आपको लोग देख रहे हैं, यदि आपसे कोई गुरु दीक्षा लेना चाहें तो मिल जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल मिल जाएगी गुरु दीक्षा। तो इसके लिए गुरु पूर्णिमा को ही आना होगा। गुरु पूर्णिमा के दिन वैसे बहुत भगत लोग संपर्क किए हैं, और उस दिन इसलिए खास मनाया जाता है गुरु पूर्णिमा के दिन, उस दिन व्यास पूजन की जाती है, व्यासदेव भगवान के प्राकट्य महोत्सव है जी, जिसको गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाए जाते हैं। तो हमारे अनादि सनातन धर्म में हमारे सबसे अनादि गुरु माने जाते हैं व्यास जी को जी, क्योंकि व्यास जी ने जितने पुराण लिखे हुए हैं 17 पुराण
व्यासदेव जी भगवान लिखे हैं और 18 पुराण उनके पिताजी जो पराशर जी लिखे हैं। तो जो शास्त्र जो लिखने वाले हैं उसको आदि गुरु माना गया है, तो आदि गुरु के रूप में श्री व्यास जी को माना जाता है और व्यास जी के रूप में जितने गुरु हैं उसको फिर व्यास देव भगवान के रूप में माना जाता है जी। तो इसमें कुछ शर्तें भी होती है, कुछ नियम भी होती है जी। जैसे आप तुलसी धारण कर लिए हाँ। तो तुलसी धारण करने के पश्चात आप माष्ट मदिरे का त्याग करेंगे जी। और आप तो गृहस्थ में हैं तो गृहस्थ आश्रम में कई लोग प्रश्न भी ये करते हैं कि गुरु जी हम कंठी धारण किए हैं तो क्या हमको लहसुन प्याज ग्रहण करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए जी जी। तो इसके बारे में भी कई बातें हैं ऐसी। वैसे शास्त्रों के अनुसार देखा जाए तो जो कंठी में तुलसी धारण करते हैं उनके लिए माष मदिरा यदि आप सेवन करते हैं तो समझिए कि सबसे बड़ा पाप होगा वो जी, है ना। और यदि तुलसी जी धारण करते हैं तो कितना पुण्य होगा। जैसे गला में तुलसी आप लगाए हुए हैं, कंठी धारण कर लिए और आप कहीं भी स्नान करिए, चाहे तालाब में करिए, चाहे शौचालय में करिए, स्नान घर में या टंकी से करिए, या कहीं नदी तालाब में करिए, तो आपको गंगा स्नान करने की फल की प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि तुलसी जी से हमारे हृदय में सटा हुआ है गले पर जी, तो जैसे यहाँ से जल होकर पड़ती है हाँ। तो जल जो है गंगा तुल्य माना जाता है जी। दूसरी बात, जैसे आप धारण किए हैं तो इससे एक आपको पावर एनर्जी मिलती है जिसको हम लोग कहते हैं सकारात्मक सोच। अर्थात जब धारण किए हैं तो आपके अंतःकरण में सकारात्मक सोच ही अब निकलेगी। अब सकारात्मक जिसको पॉजिटिव कहते हैं, पॉजिटिव एनर्जी ऊर्जा की प्राप्ति होती है और आपकी अकाल मृत्यु कहीं होगी नहीं जी। अकाल मृत्यु अर्थात जैसे दुर्घटना, जहर पान कर लेना, सब मृत्यु से आप दूर रहेंगे। और मरने के पश्चात आपके पास यदि आपको लेने के लिए यमदूत आते हैं नरक से, है ना, तो यमदूत आपको देख के दूर भग जाएगा वो जी। कहीं इसके गले पर तुलसी है और जिसके गले पर तुलसी देखी जाती है तिलक चंदन, तो यमदूत उसको स्पर्श नहीं कर सकते। अर्थात आपको लेने के लिए भगवान विष्णु के ही पार्षद आएंगे लेने के लिए जी। जी तो जैसे महाराज जी गुरु जी से गुरु दीक्षा ली जाती है तो गुरु जी तो एक मंत्र देते हैं जी, तो मंत्र का ही जाप करना चाहिए या राम राम या सीताराम का जाप करना चाहिए। मंत्र अलग है, नाम जाप अलग है जी, है ना। जैसे आप विरक्त हैं आप दीक्षा लेने आए हैं तो आपको तारक मंत्र दिया जाएगा। अच्छा, तारक मंत्र माने ब्रह्म मंत्र जी। जिस मंत्र को प्राप्ति करने के पश्चात जीव जो है ब्रह्म की प्राप्ति कर ले उसको ब्रह्म संज्ञक मंत्र कहा जाता है। जिस मंत्र को जाप करने के बाद जीव जो है तर जाए भवसागर से उसको तारक मंत्र कहा गया है। और जिस जीव को मंत्र दीक्षा देने के बाद भगवान स्वीकार कर ले तो शरणागति मंत्र है। तो अलग अलग कैटेगरी है। जो ये विरक्त मंत्र लेने आते हैं उसको विरक्त मंत्र दिया जाता है तो खड़ाक्षरी मंत्र हो जाता है वो तारक मंत्र। और जो गृहस्थ से आते हैं जैसे चौथेपन से कोई आ गए, कहे गुरु जी हम दीक्षा लेना चाहते हैं और घर परिवार में ही रहेंगे, तो वो हो गए सदगृहस्थ, सदगृहस्थ वैष्णव हो गए, है ना, सदगृहस्थ संत हैं वो जी। तो यदि वो दीक्षा लेने के पश्चात घर में ही रहना चाहते हैं तो उसको शरणागति मंत्र दी जाती है। वो मंत्र अलग है और नाम जाप अलग है, वही नहीं है, अलग 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 है। नाम जाप अलग है और मंत्र अलग है। तुम्हारा जी नाम जाप में राम राम या सीता, हाँ हाँ, देखिए इसमें भी अंतर है। कई लोग कहते हैं कि महाराज जी हम राम राम जापें या सीता राम जाप करें जी। तो राम राम भी वही है, सीता राम भी वही है जी। लेकिन कुछ भेद हैं। हमारे पूर्वाचार्य जी लोग कहते हैं जैसे आप राम 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 जप रहे हैं तो राम जी का मंत्र है, तो राम जी के दरबार पर आप जाओगे तो उनके दरबार पर लिखा रहता है निर्मल मन जनसो मोहि पावा मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो जब तक जीवात्मा के मन शुद्धि होती नहीं है, हृदय में निर्मलता नहीं आती, तब तक राम जी के दरबार पे आप प्रवेश नहीं पा सकते। क्योंकि लिख दिए हैं वहाँ पर नियम शर्त लिख दिए, तो नियम शर्त तो जीवात्मा जो है कितना भी भजन जब तब तपस्या कर ले वो मन को निर्मल बनाने में असमर्थ हो जाता है। कितना भी साधना करो मन में निर्मलता आती नहीं है, कहीं ना कहीं मन दूषित हो ही जाता है। तो इसके लिए क्या कह रहे हैं महाराज, तो इसके लिए आपको जाना है जानकी जी के शरण में। तो वो क्या करती हैं, तो जानकी जी कृपा से ही जनक सुता जगजन जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुग पद कमल मनाऊँ जा सुकृपा निर्मल मति पाऊँ। श्री जानकी जी की नाम जाप करने से, सीता जी का नाम जाप करने से ही निर्मल मन और निर्मल बुद्धि की प्राप्ति होती है जी। और दूसरी बात,
जानकी जी हैं जगत की माता, और जगत की माता माता जो है पुत्र के पहली गुरु होती है जी। जैसे कोई बालक जन्म लिया है तो माता ही बताने वाली हैं कि बेटा ये तुम्हारे पिताजी हैं, ये तुम्हारे काका जी हैं, ये तुम्हारे दादाजी हैं, ये तुम्हारे फूफा जी हैं, अमुक अमुक रिश्ते के बारे में बताती हैं माँ जी। और माँ के ही कृपा से हम पिताजी की गोद में जा सकते हैं। जैसे आप कहीं भी जाते हैं काम करने के लिए, आप काम करके दिन भर थक के आ गए, अब चले गए घर पर और वहाँ बैठे हो आप कुर्सी पर, बेटा आ जाए कहीं से खेल कूद के, कीचड़ लिपटा हुआ है शरीर पर, धूल लिपटा हुआ है, तो जैसे बालक आके पिताजी गोद में बैठ जाता है तो पिताजी अरे चल अपने मम्मी के पास जा, सफाई हो क्या फिर बैठना गोद में, पिताजी तुरंत भगा देते हैं उसको। तो बच्चा करता क्या है, माता जी के पास जाता है वो जी। तो माँ जो है जा करके कपड़े से सुंदर धूल को पोंछती है, कीचड़ को पोंछती है और पवित्र करके फिर पिताजी गोद में बैठाती है जी। तो माता जी का भजन करने से हमको पिताजी की पद की स्वतः प्राप्ति हो जाती है। तो जैसे महाराज जी ये अकाल मृत्यु हो जाती है जी, तो इसके पीछे क्या कारण रहता है? अकाल मृत्यु कारण यही है, जैसे हम किसी कुसंग में पड़ गए है ना, कुसंग के कारण पड़ गए तो हमारी वृत्ति में तमोवृत्ति आ जाती है जी। तामसिक वृत्ति अर्थात माने राक्षस वृत्ति, दो ही वृत्ति के लोग रहते हैं, देववृत्ति और असुर वृत्ति। तो देववृत्ति उसको कहा जाता है जिसके शरीर में अंतःकरण में सात्विक सोच हो, सात्विक कर्म हो, सात्विक खान पान हो, हर चीज़ उसका सत्ववृत्ति हो जी। वो है देववृत्ति के। और आसुरी वृत्ति कौन है, जिनका दूषित अन्न खाना पीना, दूसरों को कष्ट देना, दूसरों के बारे में निंदा करना जी। हर चीज़ जो है पर माने दूसरों को कष्ट पीड़ा देने के वो सोच में रहता है वो। तो ये हो गए नास्तिक है ना, आस्तिक और नास्तिक, तो नास्तिकता आ जाती है। तब अकाल मृत्यु होने का कारण यही है, हम कुछ भी कुकर्म जो किए रहते हैं उसी के फलीभूत से हमको अकाल मृत्यु की प्राप्ति होती है। किसी का अनहोनी हम कर दिए, किसी के गड्ढे खोद दिए गिराने के लिए, तो स्वयं दूसरों को गिराते नहीं, स्वयं हम उसमें हम गिर पड़ते हैं, तब कहीं जा करके अकाल मृत्यु होती है। कहीं एक्सीडेंट से मर रहे हैं, कहीं और दुर्घटना से मरे जा रहे हैं, यही सब अकाल मृत्यु का लक्षण है। तो महाराज जी अकाल मृत्यु को रोका नहीं जा सकता? रोका जा सकता है, अकाल मृत्यु को रोका जा सकता है। जैसे जाप कराते हैं महामृत्युंजय जाप शंकर जी के, तो महामृत्युंजय जाप में होता क्या है, मृत्यु को भी जो विजय प्राप्त करने वाले कौन है, भगवान भोलेनाथ जी। कालों के भी काल है महाकाल, तो महाकाल के मंत्र का जाप किया जाता है अकाल मृत्यु को हरण करने के लिए। तो जो जीव जो है मरने वाला होता है आसानी पीड़ा से, तो जीव जो है फिर जीवित हो जाता है, क्योंकि अकाल मृत्यु हट गई, अब उसको सुंदर सहजीवन की प्राप्ति हो गई। अकाल मृत्यु को जाप भी किया जाता है और मंत्र में इतनी शक्ति है कि मंत्र जो है देवी देवता को भी अपने वश में कर लेते हैं। मंत्र परम लघु जास बसा विधि हरिहर सुर सर्व महामत्त गजराज कर बश कर अंकुश खर। लोग बात संशय भी कर लेते हैं कई लोग, जैसे आप देखें मतवाला हाथी है, मतवाला हाथी जो है अगर बिगड़ जाए वो तो कोई उसको बस में नहीं कर सकते, लेकिन उसी मतवाला हाथी को एक छोटा सा अंकुश अपने बस में कर लेता है। ऐसे ही जो त्रिदेव हैं ब्रह्मा विष्णु महेश है, किसी के तो बस में है नहीं, लेकिन वो भी बस में हो जाते हैं जब मंत्र जाप करोगे तब। मंत्र परम लघु जास बस विधि हरिहर सुर सर्व। अरे ब्रह्मा विष्णु महेश की बात छो तो सभी देवी देवता मंत्र के अधीन होते हैं जी, मंत्र के अधीन है, तो मंत्र को जाप करने पर सब अपने बस में हो जाते हैं। तो कुछ लोग महाराज जी हमसे पूछते हैं कि कौन से राम का जाप करें, कि एक राम दशरथ का लाला, एक राम जग से न्यारा, ऐसे कुछ पूछा करते हैं। हाँ, कबीर पंथी वाले पूछते हैं। हाँ, देखिए राम एक ही है। कबीरदास जी महाराज निर्गुण राम को स्वीकार किए थे, अच्छा सगुण साकार का वो स्वीकार नहीं किए। अब भगवान के दो स्वरूप कहे गए हैं, एक निराकार दूसरे में साकार, तत्वता दोनों एक ही है। इसी प्रश्न को माँ भवानी पार्वती जी पूछती हैं, कहे स्वामी जब परमात्मा जो है स्वरूप धारण करते हैं तो ये निराकार परमात्मा कौन है और साकार परमात्मा कौन है, इसमें अंतर क्या है? तब भगवान भोलेनाथ जी स्वयं उत्तर दिए कि देवी शगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा गाव वही मुनि पुराण बुद्ध वेदा। जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जल ही उपल बिलग नहीं जैसे। जैसे जल और उपल, जल कहते हैं पानी को, उपल कहते हैं बर्फ को। बर्फ तो बर्फ और पानी
तत्वता दोनों एक ही है जी। पानी से ही बर्फ जमा है, अब बर्फ को पिघला दो तो पानी, बस आकार हमको देना है। जैसे निर आकार, निर माने पानी, पानी का कोई आकार नहीं है जी। लेकिन उसी पानी को आप कोई गिलास में रख लोगे तो गिलास आकार स्वरूप बन जाता है, कटोरी में रखो तो कटोरी स्वरूप बन जाती है, और या गिलास कोई भी पात्र में रखो उस स्वरूप को धारण कर लेता है। ऐसे ही निराकार परमात्मा जब भक्तों के भक्ति के अधीन होते हैं तो वही निराकार परमात्मा साकार रूप में वो प्राकट हो जाते हैं। राम वही है, जिस राम को कबीरदास जी पूजे हैं, सतयुग में प्रहलाद जी पूजे हैं, सतयुग में ध्रुव जी महाराज जाप किए हैं, ये वही राम हैं। लेकिन कबीरदास जी ये कहते थे कि वो राम जो है न कहीं दशरथ के यहाँ जन्म लिए हैं, न कहीं अयोध्यापुरी में जन्म लिए हैं, वो उनकी अपनी निष्ठा है। क्योंकि कबीरदास जी थे ध्यान योग में जी, जैसे तो स्वयं कहते हैं जाप कैसे करना चाहिए, कबीरदास जी कहते हैं सुमिरन सूरत लगाई के मुख से कछु न बोल, बाहर का पट बंद कर अंदर का पट खोल। ये निराकार ध्यान है, ये तो मुख से कछु न बोल, मुख से कुछ मत बोलो, और बाहर का पट बंद कर और अंदर का पट खोल। बाहर का पट माने जो आप इंद्रिय हैं, नेत्र हैं, कान है, नाक है, जिह्वा है, ये सब इंद्रियों को बंद कर दो और अंदर के पट खोल। अंदर में कौन कौन है, और मन बुद्धि चित्त और अहंकार, इसको खोल करके उसी राम का ध्यान करो, ये कबीरदास जी कहते हैं। लेकिन हमारे सगुण साकार पूज्य बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वही राम को भजे हैं, राम वही राम को भजे हैं। अभी क्या कहते हैं, जैसे तुलसी अपने राम को रीज भजो या खीर, उल्टो सीधो उगी हैं जो खेतन को बीज। जैसे जपो कल्याणकारी होगा, और कल्याणकारी हो ही रहा है। तो सुना दोस्तों आपने, संत महात्मा जी के विचार आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आपको बता दें कि महाराज जी राम कथा भी कहते हैं निःशुल्क में, यदि आप लोग बुलाएंगे तो महाराज जी ज़रूर आपके यहाँ पहुँचेंगे। और यदि आप गुरुदीक्षा लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं, आप टाटी घाट में आइए और इनसे संपर्क करिए। बहुत ही अलौकिक और दिव्य मूर्ति संत हैं, जो इस तरह के जंगलों में बिल्कुल एकांत में रहते हैं, भजन साधना करते हैं। तो दोस्तों, संतों की तपस्थली का वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जल्द ही मिलते हैं एक नई जगह, एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए कामतगिरी जर्नी की ओर से आप सभी को धन्यवाद।